एक ही गांव में दो घरों में चोरों ने किया हाथ साफ। प्रयागराज मेजा थाना जेवनिया पुलिस चौकी अंतर्गत ऊंचडीह ग्राम सुमेरी का पुरा ठाकुरायन बस्ती में बीती रात दो घरों में चोरों ने किया हाथ साफ। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रभात सिंह का परिवार रात को खाना खाकर सो गए। चोरों ने पीछे से जंगला काट कर अंदर प्रवेश कर लगभग 1 लाख के जेवरात सहित 20,000 नकद किया पार। वहीं बगल में जगत नारायण भारतीय के कच्चा मकान का दीवार तोड़कर चोरों ने अंदर घुसकर गहना सहित लाखों का माल किया पार। सुबह जब परिजन सोकर उठे तो देखा कि पीछे से दरवाजा टूटा पड़ा था और सामान धान के खेत में फेंका हुआ पड़ा था। इसकी सूचना जेवनिया चौकी ग्राम प्रधान पट्टी नाथ राय संदीप मिश्रा डायल 112 सूचना दिया गया। सूचना पर जेवनिया चौकी इंचार्ज आशीष कुमार चौबे एसआई दिनेश कुमार यादव महफोज मौके पर डायल 112 पहुंचकर जांच में जुटे। ग्रामीणों का कहना है कि यहां पर गांव में नशेड़ियों की जनसंख्या ज्यादा हो गई है, इसी कारण आए दिन चोरी की घटना हो रही है। इसकी शिकायत ग्राम प्रधान संदीप मिश्रा ने कई बार मेजा थाना जेवनिया चौकी पर किया लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं हुई, जिससे जनता में आक्रोश है। गांव वालों का आरोप है इस समय पुलिस की पेट्रोलिंग ना होने के कारण ग्राम सभा में चोरी की घटनाएं बढ़कर सामने आ रही हैं। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए गिरीश चंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट।